Revealing द truth में आपका एक बार फिर से स्वागत है और Revealing द truth के आज के इस एपिसोड में हम एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जिस विषय के ऊपर मसीही लोगों को नाक के बराबर जानकारी प्राप्त है और आज जिस विषय के ऊपर हम अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं जिस विषय के ऊपर हम रिवीलिंग द ट्रुथ करेंगे वो विषय है हेलोइन और हैलोइन का मतलब होता है कि थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को डायनो के द्वारा और अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा जो त्यौहार मनाया जाता है जिसको डायनो का त्यौहार या फीस्ट ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है उस त्यौहार को जो पूरी दुनिया के अंदर इकतीस अक्टूबर को मनाया जाता है वो आखिर क्यों मनाया जाता है बाइबल में उसके बारे में क्या बताया हुआ है और क्या मसीही लोग उस त्योहार को मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं और या फिर इकतीस अक्टूबर परमेश्वर को क्रोध दिलाने के दिन के रूप में तो सामने नहीं आता है इन सब बातों के ऊपर आज हम अपना अध्ययन अपना मनन और अपना चिंतन करने जा रहे हैं आज के अपने इस अध्ययन में हम इस तथ्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि 31 अक्टूबर को हर साल जिस पर्व को पूरी दुनिया में मनाया जाता है शैतानवादियों के द्वारा विच क्राफ्ट जो लोग करते हैं उनके द्वारा और जो लोग इन सब चीजों को फॉलो करते हैं उन लोगों के द्वारा 31 अक्टूबर को एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको हैलोवीन के नाम से जाना जाता है और स्कॉलर्स की बात करें तो बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि हेलोइन जो है वो डायनो का त्यौहार प्राचीन काल से माना जाता रहा है साथ ही साथ बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को भी बताते हैं कि शतानवाद के अंदर यानी सेटनिज्म के अंदर हैलोइन जो है उसको शतान के बर्थडे यानी शतान के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है लेकिन हैलोइन जिसको आज दुनिया में दूसरा प्रमुख त्यौहार माना जाता है यानी कि क्रिसमस के बाद जो सबसे ज्यादा पैसा जिस त्यौहार के ऊपर दुनिया में खर्च किया जाता है वो हैलोइन के ऊपर किया जाता है जिसमें लोग अपने घरों को कब्रों की सामान सम, सजाते हैं भूतिया लिबास धारण करते हैं अपना भेष जो है वो दुष्ट आत्माओं की तरह बनाते हैं यह त्यौहार जो है वास्तव में इसके बारे में बाइबल में क्या कुछ कहा गया है और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं थियोलॉजियंस जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि यह हेलोविन नाम का त्यौहार जो आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में जिसको डायनो का त्यौहार भी कहा जाता है और यह आयरलैंड से शुरू हुआ था और आयरलैंड के अंदर इसको फीस्ट ऑफ द दे डेड यानी मरे हुओं के पर्व के रूप में भी मनाया जाता था और आज भी मनाया जाता है और इसको फीस्ट ऑफ द डेड ही कहा जाता है तो बाइबल में इसके बारे में कहा लिखा हुआ है बाइबल के थियोलॉजियंस कई सारे थियोलॉजियंस बताते हैं कि बाइबल में थर्टी फर्स्ट ये यह एग्जैक्ट डेट बताई हुई है कि इस दिन कुछ हुआ था और परमेश्वर का दंड जो था वो इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ था उत्पत्ति की पुस्तक के सातवें अध्याय के अंदर 31 अक्टूबर के बारे में बताया हुआ है जिसको बाइबल के थियोलॉजियंस हमारे सामने लेकर के आते हैं और कहां पर बताया हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक उसका सातवां अध्याय और उसके दस से लेकर बारह वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर नू की जल प्रलय के बारे में बताया हुआ है और नू की जल प्रलय के बारे में वहां पर क्या लिखा हुआ है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं जब नू की आयु के छह सौवे वर्ष के दूसरे महीने का सत्रहवा दिन आया उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरों के खुल गए उत्पत्ति की पुस्तक के इस वर्णन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर का दंड जल प्रलय के रूप में पृथ्वी पर जो प्रकट हुआ था वो दूसरे महीने के सत्रहवें दिन प्रकट हुआ था और दूसरे महीने का सत्रहवा दिन जो है उसके लिए बाइबल के थियोलॉजियंस भी बताते हैं और यहूदी ज्ञानी पुरुष सेजेस भी इस बात को बताते हैं कि उस जमाने में जो कैलेंडर था वो हिब्रू कैलेंडर नहीं चला करता था लेकिन उस जमाने के अंदर जो कैलेंडर चला करता था उसमें पहला महीना सितंबर का महीना माना जाता था और यहां पे लिखा है दूसरे महीने का सत्रवा दिन जो है और क्योंकि जो कैलेंडर चला करता था उस जमाने में वो मिड सितंबर से मिड अक्टूबर मिड अक्टूबर से मिड नवंबर इस प्रकार से वो कैलेंडर चला करता था और इसीलिए ये दूसरा महीना जो बाइबल में बताया हुआ है ये वास्तव में केशवान का महीना है और केशवान के महीने का सत्रवा दिन जो होता है आपको जान करके हैरानी होगी यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं बाइबल के थियोलॉज बताते हैं कि ये दूसरे महीने का सत्रवा दिन केशवान का सत्रवा दिन जो होता है वो इकतीस अक्टूबर यानी थर्टी फर्स्ट होता है यानी एक्जैक्टली थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को परमेश्वर का महादंड जो था प्रकोप जो था वो पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ था और जल प्रलय के समय परमेश्वर का दंड इस पृथ्वी के ऊपर आ गया था न्याय का दिन जो था वो थर्टी फर्स्ट ऑक्टूबर को परमेश्वर ने बना दिया था लेकिन जब हम बाइबल में आगे बढ़ते हैं तो ये कैलेंडर जो उत्पत्ति के पुस्तक में बताया हुआ है जिसमें पहला महीना मिड सितंबर से स्टार्ट हुआ करता था परमेश्वर जब इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके ले जा रहा था तो परमेश्वर ने इस कैलेंडर को चेंज कर दिया था और सितंबर मिड सितंबर की जगह परमेश्वर ने मिड मार्च को इसराइलियों के लिए पहला महीना बना दिया था जिसको आज हम हिब्रू कैलेंडर के नाम से जानते हैं और निर्गमन की पुस्तक उसका बारह अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़े तो वहां पर इसी बात को बताया गया है फिर यहुआ ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे यानी परमेश्वर ने जब हिब्रू कैलेंडर की शुरुआत करी तो परमेश्वर ने मिड सितंबर से जो पहला महीना साल का शुरू हुआ करता था उसको परमेश्वर ने हटा करके मार्च का जो मिड मार्च का महीना जो था वहां से परमेश्वर ने हिब्रू कैलेंडर की शुरुआत कर दी थी और पहला महीना जो था वो आबीब महीने को या निशान महीने को परमेश्वर ने बना दिया था तो हमको यहां पर क्या दिखाई देता है यहां पर हमको दिखाई देता है कि बाइबल में दो कैलेंडर्स के बारे में बताया हुआ है एक कैलेंडर जिसको बिब्लिकल कैलेंडर माना जाता है जिसकी स्थापना परमेश्वर ने मूसा और हारून को करके दी थी जिसको आज भी इसराइल के अंदर फॉलो किया जाता है और उसको बिब्लिकल कैलेंडर या हिब्रू कैलेंडर कहा जाता है लेकिन एक कैलेंडर जो है उसको आज भी इसराइल के अंदर सेक्यूलर कैलेंडर कहा जाता है और वो सेक्युलर कैलेंडर जो है वो आज भी सितंबर की पंद्रह तारीख से ही उसका वर्ष का पहला महीना शुरू होता है तो यहां पर हमको दो कैलेंडर दिखाई देते हैं और जो सेक्युलर कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय का दंड परमेश्वर ने भेजा था लेकिन यहूदियों की एक और पुस्तक है जिसको यशार की पुस्तक कहा जाता है और जिसके बारे में बाइबल में कई बार रेफरेंस आया है और यशार की पुस्तक जो है जो कि एक नॉन कैनोनिकल किताब जरूर है लेकिन बाइबल में इसके कई बार रेफरेंसेस आए हैं कि अगर तुमको इस विषय में ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो तुम यशार की पुस्तक पढ़ लेना और यशार की पुस्तक के अंदर बताया हुआ है यशार की पुस्तक उसका 18 अध्याय ग्यारह से लेकर तेरह वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ तौर से बताया हुआ है कि सदोम और अमोरा के जो लोग थे वो वर्ष में चार त्यौहारों को मनाया करते थे और इन चार त्यौहारों में बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं इकतीस अक्टूबर की तारीख जो थी उसको भी सदोम और अमोरा के लोग सेलिब्रेट किया करते थे यानी कि हमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हमको यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि प्राचीन समय के जो लोग हुआ करते थे जल प्रलय के बाद जो जगत इस संसार में आया था जो पीढ़ी इस संसार में आई थी उन्होंने इकतीस अक्टूबर को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था जबकि इकतीस अक्टूबर वो दिन था जब परमेश्वर का भयानक न्याय इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ था लेकिन परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर को वो सारे काम किए जाते थे जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय का दंड परमेश्वर ने भेजा था यानी सीधे तौर पर परमेश्वर को चुनौती देने का काम किया जाता था सीधे तौर पर परमेश्वर को चिढ़ाने का काम जो है वो किया जाता था तो जल प्रलय के बाद से ही जो पीढ़ियां इस संसार में आई वो इकतीस अक्टूबर को परमेश्वर को चिढ़ाने का काम किया करती थी और इसको वो सेलिब्रेट किया करती थी मरे हुओं की याद में इस दिन को वो सेलिब्रेट किया करते थे लेकिन अब बाइबल के अंदर एक और बात बताई हुई है बाइबल में बताया हुआ है कि जब इसराइल दो भागों में विभाजित हो गया था और जब यारोबाम का शासन आया था और रहुबियाम यहूदा के ऊपर राज्य किया करता था उस समय यारोबाम ने इस बात को सोचा था कि अगर सारे के सारे इसराइली यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में बलिदान चढ़ाने जाते रहेंगे तो इस तरह से यारोबाम की पकड़ जो है वो राज्य के ऊपर कमजोर हो जाएगी और इसीलिए यारोबाम जो था उसने एक नए पर्व की शुरुआत करी थी और वो नया पर्व जो था वो उसके लिए बाइबल में पहला राजा की किताब में साफ साफ शब्दों में बताया हुआ है कि वो नए पर्व की एक एग्जैक्ट डेट जो थी वो यारोबाम ने नियुक्त करी थी और वो डेट जो थी वो क्यों नियुक्त करी थी उसको तो हम बाद में समझेंगे लेकिन पहले हम उस वर्णन को पढ़ लेते हैं जो पहला राजा की पुस्तक में प्रदान किया गया है तो पहला राजा और उसका 12 अध्याय 28 से लेकर 33 वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के दो बछड़े बनाए और लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए फिर यारोबाम ने आठवें महीने के पंद्रहवें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याचकों को बेतेल में ठहरा दिया इस वर्णन में एक बात साफ तौर से बताई हुई है और इस बात को बताया हुआ है कि यारोबाम ने सम्मति ली थी और उसके बाद उसने इस काम को किया था यानी वेल प्लान था ये काम और उसने इज़राइल के पर्व की समान यानी कि तंबुओं का पर्व जो कि सातवें महीने के पंद्रहवें दिन मनाया जाता था उसके समान ही आठवें महीने के पंद्रहवें दिन को उसने एक पर्व ठहरा दिया आठवें महीने के पंद्रहवें दिन और देखिए परमेश्वर ने कैलेंडर को चेंज कर दिया था तो अब मिड सितंबर जो कि पहला महीना होता था यहां से वो कैलकुलेशन नहीं चलेगी आपको ये समझना पड़ेगा कि मिड मार्च से पहले महीने की शुरुआत हिब्रू कैलेंडर की होती है और मिड मार्च से आठवां महीना जो होता है वो अक्टूबर का महीना होता है और आठवें महीने का पंद्रवा दिन जो होता है उसको थर्टी फर्स्ट अक्टूबर के, ना, के पंद्रवा दिन होता है यानी यारोबाम ने जिस पर्व को स्थापित किया था वो और कोई पर्व नहीं था वो हैलोइन ही था जिसको प्राचीन काल से पैगन वर्ल्ड जो था वो मनाता हुआ आ रहा था परमेश्वर को जलाने का परमेश्वर को चिढ़ाने का दिन जो था उसको मनाते हुए लोग आ रहे थे और उसी पर्व की स्थापना जो थी वो यारोबाम ने इज़राइल के अंदर भी कर दी थी और मरे के लिए वो पर्व जो है वो मनाया जाता था ये बात जो है वो साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है इसको कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके मैं आपके सामने नहीं बता रहा हूं अगर आप सेक्यूलर कैलेंडर और बिब्लिकल कैलेंडर के भेद को समझ जाएंगे तो ये डेट्स जो है अपने आप खुल करके आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तो जल प्रलय के बाद से ही इकतीस अक्टूबर को लोग सेलिब्रेट करते हुए आ रहे थे परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए और आयरलैंड के अंदर एक एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने एक किताब को लिखा था जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड और द हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड को लिखने वाले जो लेखक थे इतिहासकार जो थे उनका नाम था जेफरी किटिंग और जेफरी किटिंग जो थे इन्होंने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड के अंदर इस बात को बताया था कि आयरलैंड के अंदर जो सबसे पहले लोग जो आकर के वहां पर बसे थे जो फर्स्ट सेटलर्स थे वो और कोई भी नहीं थे लेकिन वो कैननाइट्स थे कैननाइट्स यानी कि वो कनानी थे कनान देश से वो आए थे वो कनानी लोग थे और कनानी लोग जो थे वो वहां से पलायन करके आयरलैंड के अंदर आ करके बस गए थे जब इसराइलियों ने कनान देश के ऊपर अधिकार जमा लिया था तो कनानी वहां से पलायन कर गए थे और आकर के आयरलैंड के अंदर वो बस गए थे और अपने साथ जेफरी कीटिंग ने इस किताब में बताया है अपनी इतिहास की किताब में बताया है कि जब कैननाइट्स वहां सर आए तो अपने साथ वो एट पैगन हॉलीडेज को या एट पैगन फेस्टिवल्स को भी लेकर के आए थे यानी आठ पर्वों को भी वो अपने साथ लेकर के आए थे इस बात को जेफरी कीटिंग ने बताया है और जेफरी कीटिंग की इस शोध के ऊपर बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं थियोलॉजियंस जो हैं वो कहते हैं कि उन आठ पर्वों के अंदर हेलोइन भी एक पर्व हुआ करता था जिसको थर्टी अक्टूबर को मनाया जाता था तो कैननाइट्स जो थे मिडिल ईस्ट से इस पर्व को यूरोप के अंदर लेकर के आ गए थे और उसके बाद जो आयरलैंड का प्राचीन धर्म था उसने इस पर्व को अपना लिया था और वहां से ही ये पर्व जो था वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था और आज पूरी दुनिया के अंदर ये हेलोइन नाम का पर्व मनाया जाता है अब ये हैलोइन को हैलोइन क्यों कहा जाता है इसके लिए बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि 31 अक्टूबर के इस पर्व को रोकने के लिए रोमन कैथलिक चर्च जो था उसने एक पर्व डिक्लेयर किया था कि जितने भी मसीही शहीद हुए इतिहास के अंदर जिनको सताव के कारण मार दिया गया उनकी याद में उन्होंने इस पर्व को कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी कि हम मसीही शहीदों को 31 अक्टूबर को याद करेंगे और इसीलिए उसको हैलो ईव हैलो के नाम से उसको पुकारा जाने लगा था 31 अक्टूबर को और आगे जाकर के ये हैलो ईव जो थी इसको हैलोइन के नाम से जाना जाने लगा तो ये सब बाइबल स्कॉलर्स जो हैं थियोलॉजियंस जो है इन सब बातों को बताते हैं लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज हम इस बात को समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर नाम का ये पर्व जो है वो मनाया जा रहा है और मैंने आपको बीते एपिसोड के अंदर एक बात बताई थी मैंने एक लेखिका के बारे में आपको बताया था जिनका नाम है डॉक्टर रबेका ब्राउन और डॉक्टर रबेका ब्राउन जो है उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर इस बात को बताया है कि हैलोइन जो है वो ना केवल डायनो का त्यौहार है डायन यानी कि ना केवल विचिस और विजार्ड्स का वो त्यौहार नहीं है लेकिन शतानवाद के अंदर हैलोवीन को शतान के जन्मदिन यानी शतान के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है साथ ही साथ एक शतान के महापुजारी जो थे और बाद में सुसमाचार को ग्रहण करने के बाद जब यीशु ने उनके जीवन को बदल दिया तो उन्होंने एक किताब को लिखा था माइक वॉन के उनका नाम था और उन्होंने एक किताब को लिखा था स्कीम्स ऑफ सैटन यानी शतान की योजनाएं और इस किताब के अंदर माइक के ने इस बात को बताया था कि ये जो त्यौहार हैलोवीन इसको फीस्ट ऑफ द दे डेड के नाम से जाना जाता है आज भी आयरलैंड के अंदर और इस दिन मरे हुओं की आत्माओं से संपर्क किया जाता है उनको बुलाया जाता है ताकि वो आकर के जीवतों के साथ वास कर सके तो माइक वॉन्के ने अपनी किताब के अंदर इस बात को बताया था ये महापुजारी रह चुके हैं शतानवाद के अंदर लेकिन यीशु ने इनके जीवन को बदला और उसके बाद इन्होंने इस किताब को लिखा था और इस सच्चाई को दुनिया के सामने प्रकट किया था और एक और लेखिका है जो कि हार्डकोर सेटनिज्म में थी पॉन पॉन इंडस्ट्री जो कि हार्डकोर सेटनिज्म के अंदर वो थी और वहां से यीशु उनको बचा करके लाया और उसके बाद उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था जिसका नाम है सैटन अंडरग्राउंड और इनका नाम है लॉरेन स्टेटफोर्ड और लॉरेन स्टेटफोर्ड इस बात को बताती हैं कि शतानवाद के अंदर थर्टी फर्स्ट को जो शतानवादी होते हैं वो छह सौ छियासठ जो है सिक्स 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 जो है उसका उसका जाप करते रहते हैं उसका जाप करते रहते हैं और तब तक उसका जाप करते रहते हैं जब तक कि दुष्ट आत्माएं वहां पर प्रकट नहीं हो जाती तो हमको क्या दिखाई देता है कि 31 अक्टूबर जो है उसको प्राचीन काल से ही जल प्रलय के बाद से ही लोग सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं और क्यों करते हुए आ रहे हैं शतान को प्रसन्न करने के लिए और परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए परमेश्वर को चुनौती देने के लिए 31 अक्टूबर को लोग सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं और ये सब प्राचीन काल से हो रहा है और यारोबाम इस पर्व को इसराइल में ले आया था और इसराइलियों को उन्होंने उसने थर्टी फर्स्ट अक्टूबर के अंदर फंसा दिया था इस पर्व में फंसा दिया था लेकिन एक और लेखिका है जिनके बारे में भी मैंने आपको बीते एपिसोड में बताया था जिनका नाम है जोहैना माइकलसन और जोहेना माइकलसिन जो है उन्होंने हेलोइन के ऊपर पूरी एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है लाइक टू द स्लॉटर जैसे मेम ने कसाई खाने के अंदर कटने जाते हैं वैसे ही आज के हमारे जवान और हमारे बच्चे जो हैं वो हैलोइन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो है ना ने इस किताब के अंदर बताया है और अपनी इस किताब के अंदर जो है ना हेलोइन के बारे में जो बताती है उसको जान करके आप हैरान रह जाएंगे और जो है ना ने क्या बताया है आप उसको सुनिए अपनी पुस्तक लाइक लैम्प टू द स्लॉटर में जो है ना बताती हैं कि हेलोइन के उद्भव एवं परंपराएं हजारों साल पुरानी है 31 अक्टूबर की शाम ग्रीष्म से शीत के अंधकार का परिवर्तन माना जाता है यह एक भयावह रात होती है एक खतरनाक रात एक ऐसी रात जिसमें बॉर्नफायर्स जलाई जाती हैं, यानी अलाव जलाए जाते हैं ताकि मृत्यु के देवता का सम्मान किया जा सके और ये मृत्यु के देवता के लिए बाइबल के थियोलॉजियंस बताते हैं कि ये और कोई नहीं लेकिन शतान का ही दूसरा नाम माना जाता है और जो है ना आगे लिखती हैं कि इस बात को शतानवाद में और विच क्राफ्ट में माना जाता है कि 31 अक्टूबर की रात को मरे हुओं की आत्माएं जाग जाती हैं और उन घरों में जाती हैं जहां वे पहले रहती थी रात को काले प्राणी छा जाते हैं दुष्ट डायने रात को उड़ती हैं दुष्ट आत्माएं परी जैसी चीजें और पिशाच घूमते हैं ये घिनौने जीव इस रात अच्छे मूड में नहीं होते हैं इसलिए इनको खुश करने के लिए प्राचीन समय से 31 अक्टूबर को इनको भेंटें चढ़ाई जाती रही है साथ ही जो है ना अपनी पुस्तक में आगे लिखती है कि हेलोवीन को हमेशा मौत के त्यौहार के रूप में जाना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि यह मरे हुओं की आत्माओं से संपर्क करने का सबसे उपयुक्त समय होता है डायने यानी जो हैं इस दिन सीधे मौत के देवता से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती हैं। साथ ही जो है ना अपनी इस पुस्तक लाइक लैंप्स टू द स्लॉटर के अंदर इस बात को भी बताती हैं कि 31 अक्टूबर को जब हैलोइन मनाया जाता है उस समय शतान जो हैं वो निगाह रखते हैं जवानों के ऊपर कि कौन सा जवान पूरी तरह से हेलोइन के अंदर लिप्त हो रखा है और उसको वो एक योग्य कंटेस्टेंट मानते हैं कैंडिडेट मानते हैं योग्य कैंडिडेट मानते हैं जिसको शतान वाद के अंदर भर्ती किया जा सकता है तो आप यहां पर इस बात को समझ सकते हैं कि इकतीस अक्टूबर को हर साल जो त्यौहार मनाया जाता है हेलोइन है के रूप में ये कोई फनी त्यौहार नहीं है फन टाइम नहीं है लेकिन इस त्योहार की जो जड़ें हैं वो बहुत ही ज्यादा भयानक हैं मरे हुओं की आत्माओं को खुश करने के लिए यह सब काम किया जाता है दुष्ट आत्माओं को खुश करने के लिए इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है और यूरोप के अंदर प्राचीन समय से ही 31 अक्टूबर की रात को अंधेरा नहीं होने दिया जाता है अलावे जलाई जाती है बॉर्नफायर्स जलाए जाते हैं और इतनी रोशनी की जाती है रात को ताकि अंधकार जो है वो ना रहने पाए क्योंकि लोग प्राचीन काल से ही इस त्योहार को जब मनाते थे तो वो जाना करते थे कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो आती हैं और लोगों को वो परेशान करती हैं तो यहाँ पर ये बात हमको समझ में आ जाती है कि यह त्योहार जो है इसका सीधा लिंक सैटनिज्म से जाकर के रुक जाता है जुड़ जाता है सैटनिज्म से और शतान से जुड़ता हुआ इसका लिंक हमको दिखाई देता है तो क्या अब यह सवाल उत्पन्न होता है कि मसीही लोग विश्वासी मसीही लोग जो हैं क्या इस त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं जिस त्योहार की जड़ें शतान के साथ जुड़ी हुई हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ पैगन वर्ल्ड के साथ ब्लैक मैजिक के साथ जिसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं क्या उस त्यौहार को मसीही लोग मना सकते हैं उसका उत्तर है कि यदि आप वास्तव में शतानवाद से बिलोंग करते हैं तो आप सरलता से इस पर्व को मना सकते हैं लेकिन यदि आप यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं यदि आप परमेश्वर के संतान हैं तो आप कभी भी एक ऐसे पर्व को जो परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए मनाया जाता है इस पर्व को आप कभी भी नहीं मना सकते लेकिन आज क्या हो रहा है आज अमेरिका में यूरोप में तो ये पर्व पहले से ही मनाया जाता रहा लेकिन आज ये पर्व भारत के अंदर भी आ गया है और भारत के छोटे छोटे शहरों में बड़े शहरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ बड़े शहर तो बहुत आगे हैं लेकिन भारत के छोटे छोटे शहरों और नगरों में भी अब ये हैलोइन जो है इसको सेलिब्रेट करना लोगों ने शुरू कर दिया है यहां तक कि मसीही लोगों ने भी हैलोइन को अब सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है वो इसको एक फन टाइम समझते हैं मौज मस्ती का समय इसको समझते हैं जिसमें भूतों का लिबास धारण किया जाता है ताकि दुष्ट आत्माओं को बेवकूफ बनाया जा सके कि हम भी तुम्हारे में से एक हैं इसलिए भूतों का लिबास धारण किया जाता है घरों को कब्रों के समान सजाया जाता है घर जो है उनको हेल हाउसेस बनाया जाता है और इस प्रकार से लोग अपने आप को भूतों के समान या दुष्ट आत्माओं के समान सजाते हैं ताकि उनमें से वो एक लगने पाए और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो उन लोगों को नुकसान ना पहुंचाने पाए और इस दिन मौत की उपासना जो है वो ब्लैक मैजिक के अंदर यानी विच क्राफ्ट के अंदर और शतान के अंदर की जाती है और अपने सेवकाई के अनुभव के अंदर ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है कि अपने सेवकाई के अनुभव के अंदर मैंने इस बात को देखा है कि जो मसीही लोग आ, हैलोवीन को सेलिब्रेट करते हैं हैलो, के अंदर लिप्त रहते हैं उनके घरों में उनके परिवारों में सडन डेथ होने की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है परिवार के जो जन हैं वो सडन डेथ से मरना शुरू हो जाते हैं मैंने अपने अनुभव में इस बात को देखा है और क्यों मरने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हेलोइन जो है वो मृत्यु का त्यौहार माना जाता है मृत्यु को उस दिन पूजा जाता है यानी मृत्यु को इनवाइट किया जाता है और इसीलिए सडन डेथ का प्रोसेस उनके परिवारों में शुरू हो जाता है इस भयावह रात के दिन हमको इस इस त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं करना है लेकिन हमको यीशु मसीह के नाम की सामर्थ से इस दिन जो भी दुष्ट आत्माओं की शक्तियां प्रबल होती हैं उनकी शक्तियों को हमको यीशु के नाम से ब्रेक करना है ताकि लोग स्वतंत्र हो सके और शतान के काम नष्ट हो सके और रिवीलिंग द ट्रुथ के बीते एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर रबेका ब्राउन ने अपनी किताबों के अंदर इस बात को बार बार जोर देकर के बताया है कि जब मसीही लोग ज्यादा प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देते हैं और तो परमेश्वर का सामर्थ्य उतर जाता है और शतान के कामों को नष्ट करना शुरू कर देता है तो अब जब दो तीन दिन के बाद 31 अक्टूबर आ रहा है 31 अक्टूबर को हेलोइन मनाने का दिन आ रहा है तो हम मसीही लोगों के लिए भी अब जागरूक होने का समय आ गया है जब डायने जो है यानी कि विचेस जो है वो पूरी तरह से शतान की उपासना करेंगी शतानवादी शतान का जन्मदिन मनाएंगे और जब पूरी दुनिया के अंदर शतान को प्रसन्न करने के लिए उस पर्व को मनाया जाएगा दुष्ट आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए उस पर्व को मनाया जाएगा तो उस समय हम विश्वासी मसीहों का यह दायित्व बनता है कि हम प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के साथ समय बिताएं और ऐसा अनुग्रह परमेश्वर से मांगे कि लोगों की आत्मिक आंखें खुलने पाए और लोग सच्चाई को जान सकें और शतान के सारे काम जो हैं वो 31 अक्टूबर को नष्ट होने तो रिवीलिंग द ट्रुथ के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अगली कड़ी में आपके साथ एक और नए विषय में अध्ययन करने के लिए वापस से मैं उपस्थित होऊंगा और उस दिन हम एक दूसरे विषय पर एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम अध्ययन और मनन और चिंतन करें